हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर इमरान सीड और आपका स्वागत है अनबॉक्सिंग प्रोसेसर चैनल में। दोस्तों, मैं आपके लिए तरह तरह की न्यू वीडियोस लेके आता रहता हूं, अनबॉक्सिंग के, टेक्निकली और एक्सपेरिमेंटल वीडियो। अच्छा, तो दोस्तों आज का जो वीडियो है वो काफ़ी हिफाजत महसूस होगी आपको उसको देखने के बाद। वो वीडियो काफ़ी बजट में और काफ़ी अच्छा वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। ये वीडियो किसी चीज़ की नहीं दोस्तों, ये सिक्योरिटी पर्पज से है, जो कि सीसीटीवी कैमरे का है। जो वायरलेस सीसीटीवी कैमरा है उसको आप लगा के अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा सकते हैं। सीपी प्लस का वायरलेस वाईफाई कैमरा मैंने मंगाया है, उस कैमरे को देखते हैं और कैसे इंस्टॉलेशन करेंगे, कैसे लगाएंगे और उसमें कैसा क्वालिटी आता है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं, झटपट से करते हैं अनबॉक्सिंग। तो ये आ गया है हमारा अनबॉक्सिंग के लिए सीपी प्लस का, जो कि हमने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है दोस्तों। तो इसको हम यहाँ पे ये ऐसे फाड़ देते हैं और ये ऐसे खोल देते हैं और ये ऐसे खोल देते हैं और देखिए दोस्तों, ये सीपी प्लस का, वाव, और कुछ नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब रेयर कैमरे से इसको देखते हैं चारों तरफ से, इसके बिहाइंड, इसके अपसाइड, इसके डाउन साइड, इसके राइट, इसके लेफ्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, और इसके बाद इसको अनबॉक्स भी करेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये जो है ईजी कैम के साथ कनेक्ट होता है, वाईफाई कैमरा है, एलेक्सा के साथ वर्क करता है, गूगल होम के साथ करता है। इसका जो मॉडल्स जो है C35A3 MP जो है कैमरा है। इसको अब हम खोलते हैं यहाँ से, जो है इसको खोलना पड़ेगा, इसको हम यहाँ से खोलते हैं दोस्तों बिना किसी ब्रांड की मदद से। बहुत टाइम लग रहा है, इसको खोल लिया। ये देखिए, इस तरह की कुछ स्टिकिंग मिलती है, जैसे पता चले ये नॉर्मली कंपनी का है कि लोग है पैकिंग। ये खोल लिया हमने, उसके बाद से जो है इसको ऐसे करके वैसे खोलना पड़ा। इसमें एक और अनदर बॉक्स है, ये दोस्तों ये बॉक्स निकल जाता है। इस बॉक्स के साथ साथ अगर हम देखें तो ये दो बॉक्स है, एक यूजर मैनुअल है हमारे पास, तो इसको जरूरत पड़ेगी देखने की, लेकिन अभी इसको साइड करते हैं। इसके अंदर देखते हैं कि क्या है दोस्तों। इसके अंदर जो है हमारा कैमरा है, जो कि सीपी प्लस का कैमरा है। शायद मैंने उल्टा खोल दिया है कि क्या। तो ये रहा दोस्तों, ये कैमरा है। इसको सब तरफ से रोटेट करके दिखाएंगे आपको, उसके बाद इसमें देखेंगे कि क्या है। तो इसमें इसके चार्जर्स होंगे, ये दोस्तों हैमिंग करने के लिए, और ये एडेप्टर्स, और इसके डाटा केबल। सबसे अच्छी बात है ये टाइप सी आ रहा है आजकल, लोगों को जमाना के हिसाब से टाइप सी इसको भी मिल रहा है। तो ये चीज़ें इसके साथ मिली हैं, ये चीज़ों को देखिए। ये चीज़ें इसके साथ आई हैं दोस्तों, तो इन चीज़ों को हम जो है इसमें देख लिए हैं कि क्या क्या है। ये इस तरह का कैमरा भी है, तो इसको भी कुछ इसी तरह से भी रख दिया है ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखे। तो ये सीपी प्लस का कैमरा, यूजर मैनुअल, एडेप्टर, चार्जर और हैमिंग के लिए। ये इसी के जो है अंदर जो है इसमें ऐसा कुछ सिस्टम दिया हुआ है जिससे जो है हम कैमरे को ऊपर ही अटैच कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के इसको करते हैं अब ऑन, और उसके बाद जो है इसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि फ़ोन में कैसे कनेक्ट होगा, कैसे कनेक्ट नहीं होगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ और देखते हैं कनेक्ट करके दोस्तों। देखिए, सबसे पहले ये तो मुझे पता है, लेकिन कि फिर भी यूजर मैनुअल आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो ये जो है इसमें कैसे पढ़ सकते हैं, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से देख लीजिए, ये व्हाट इज इन बॉक्स, बॉक्स के अंदर जो है ईजी कैम का कैमरा है, केबल है, एडेप्टर है और क्विक रीड है। तो यहाँ पर जो है ये ऑप्शन है, ये एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, ईजी कैम के नाम से आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो इसको स्कैन करेंगे, या एप्पल स्टोर के लिए इसको स्कैन करेंगे, आपका डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद जो है साथ ही साथ इस प्रोसेस को करने के लिए हम यहाँ पे अपने फ़ोन को शामिल कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये फ़ोन आ गया हमारा। इस फ़ोन को हम खोलते हैं, हमने ऐप पहले से ही डाउनलोड कर लिया है। तो यहाँ पे जो है ईजी कैम ओपन कर लिया है। ईजी कैम ओपन करने के बाद इसमें जो है सबसे पहला आ रहा है कि सिलेक्ट कंट्री एंड ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे जो है साइन अप ओके करेंगे, साइन अप इंडिया है, इंडिया के बाद जो है ईमेल एड्रेस करेंगे। यहाँ पे सबलाइम होम हेल्थ केयर जो भी है मेरा, वो मैंने अपना कर लिया। यहाँ पे हमने यहाँ पे इंटर कर दिया है, और इंटर करने के बाद यहाँ पे जस्ट पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं भी कुछ भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है पासवर्ड हमने दे दिया है, और यहाँ पे ऐट दी रेट का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमने डन कर दिया, ठीक है। डन करने के बाद यहाँ पे डाटा एनालिसिस करना, और उसके बाद गो टू द ऐप कर देते हैं। गो टू द ऐप करने के बाद फिर यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या आ रहा है,
नंबर 3 में बोल रहा है कि स्टेप वगैरह करके उसके बाद जो है वेरिफिकेशन पासवर्ड वगैरह डाल देना है। पासवर्ड डालने के बाद वहाँ पे हाउ डू आई प्लग कैमरा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारा कैमरा है सी बी प्लस का, इसमें ऐसे यहाँ प्लगिंग टाइप सी करना है, तो ये हमने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने के साथ ही देखिएगा दोस्तों ये ग्राउंड करेगा और इसमें से आवाज़ आएगी बोलने का, तो ये कर दिया है। सेकेंडरी ऑप्शन में यहाँ देखेंगे कि क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शनल कह रहा है कि माइक्रो एसडी कार्ड अगर आप ये इंसर्ट करना चाह रहा है, ये आवाज़ का प्रॉम्प्ट सुनाई दे देगा आपको इसी तरह से, और अगर नहीं सुनाई देगा तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है कहीं में थी। उसके बाद ये मैं बाद में कर लूँगा। तो यहाँ पे देखिए कैमरा मैंने कर दिया, माइक्रो एसडी इंस्टॉल नहीं करना है, रीसेट करना है। रीसेट करने के लिए यहाँ पे पीछे एक बटन है, यहाँ पे इस बटन को ऐसे करेंगे ओके, तो रीसेट सक्सेस का ऑप्शन आ जाता है, आवाज़ आ जाता है। उसके बाद आने के बाद जो है आप यहाँ पे प्लस के मेंबर पे कीजिए, तो दोस्तों यहाँ पे E35A इसको हम ओके कर लेते हैं। ओके करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, यहाँ पे जो सबलाइम होम थिएटर इसका आप पासवर्ड मांगेगा आपका वाईफाई का, तो यहाँ पे इसका पासवर्ड दे सकते हैं @ मैंने इसका पासवर्ड दे दिया, आगे वोटिंग कर दिया। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे जो है ऑप्शन में मेरे पास जो मॉडल है ये इधर, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे QR कोड फॉर कैमरा आता है यहाँ पे, लेकिन इसको EZ मोड पे करेंगे, ये बहुत ही इजीली हो जाता है EZ मोड। तो यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, फिर उसके बाद जो है यहाँ ये करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देंगे पासवर्ड। पासवर्ड देने का मतलब समझ ही रहे हैं कि क्या देना है, जो वाईफाई कनेक्टेड है वो, और ये जो है दोस्तों ये हमने कर दिया। साथ में ये भी चेक कर लेंगे कि जो हमारा ये पासवर्ड कनेक्टेड है वो सेम है कि नहीं, तो ये सेम है हमारा कनेक्टेड है। फिर उसके बाद जो है हम वेट कर रहे हैं, दोनों फ़ोन जो है इसमें ये और ये आपस में जोड़ने की कोशिश हो रहा है। देखिए वाईफाई कनेक्टिंग प्लीज वेट का प्रॉम्प्ट आ गया है और ये इजीली अब ये इसके थ्रू कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे तो यहाँ देखिए सक्सेसफुली कनेक्ट होने का, तो यहाँ देखिए आप फ़ोन के अंदर भी देखिए डिवाइस एडिट सक्सेसफुली हो गया है। क्या बात है। उसके बाद हम डन कर देंगे। डन करने के बाद जो है नोटिफिकेशन टेस्ट, उसके बाद अभी हम कर देंगे कैंसिल। कैंसिल करने के लिए इसको हटाइए, फिर उसके बाद ऑनलाइन जो कैमरा है तो इस कैमरे से जैसे हम चेक करते हैं टेस्ट, तो टेस्ट करने के लिए जो है ऑटो स्टार्ट वगैरह नेक्स्ट कर देते हैं, फिर जो भी है डन कर देते हैं। डन करने के बाद जो है यहाँ पर हमारा आ जा रहा है न्यू अपडेट मॉड्यूल, तो यहाँ पर अपडेट नाउ करते हैं। यहाँ पे अपडेट नाउ, अपडेट करने के लिए कह रहा है तो अपडेट कर ही लेते हैं। ये लीजिए दोस्तों अपडेट कर लेते हैं। अपडेट कैमरा अपग्रेड हो रहा है, प्लीज़ कीप द पावर। तो ये देखिए दोस्तों सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है दोबारा से। HD क्वालिटी में देख रहे हैं और HD क्वालिटी में देख रहे हैं, दो तरह का देख सकते हैं। इसको जूम करके देख रहे हैं, इस तरह की क्वालिटी है यहाँ पे। उसके बाद इसको मूव करके देखेंगे कि कैमरा हमारा मूव हो रहा है कि नहीं। तो ये देखिए मूव हो रहा है, ये मूव हो रहा है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों मेरे को जो है ये कैप्चर करके बता रहा है कि कैसा दिख रहा हूँ मैं। ऊपर का भी देखते हैं, तो ऊपर इतना मैक्सिमम देख लेता है। 60 डिग्री रोटेशन कैमरा है, इसमें सारा कुछ दिखाता है, ये पूरे क्लिनिक का व्यू है। तो इसको जो है हम फटाफट से जो है दीवार में इंस्टॉल करते हैं और बाकी भी फंक्शन बाद में समझेंगे। फिलहाल में अब तक के लिए इतना ही।